नमस्कार मेरे दोस्तों जय महाकाली दोस्तों एक बहुत ही चित्र और विचित्र वस्तु आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं जो कि तंत्र शास्त्र की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वस्तु आज तक मानी गई है जो कि बहुत रेयर और बहुत ही अमूल्य वस्तु है हर प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सभी लोगों ने आसाम में गुवाहाटी में माँ कामाख्या देवी मंदिर के बारे में सुना होगा वहाँ का नीलांचल पर्वत का माँ कामाख्या देवी सिंदूर के विषय में भी सभी लोगों ने सुना होगा कि उसके कितने ज़्यादा प्रयोग हैं आज मैं कामाख्या देवी सिंदूर आप लोगों के समक्ष नहीं लाया हूँ मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ बहुत ही रेयर बहुत ही प्रभावशाली बहुत ही शक्तिशाली और कार्य पूर्ण करने वाला काला सिंदूर जो कि मायोंग में से मिलता है जो कि मायोंग आसाम की एक राजधानी कही जाती है तंत्र की एक ऐसी विचित्र दुनिया कही जाती है तंत्र की जहाँ से तंत्र की रचना हुई है और काले जादू का गण शुरू हुआ है दोस्तों मायोंग का तंत्र सभी को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और महाकाली विद्याओं का गढ़ माने जाने वाला क्षेत्र होता है मायोंग मायोंग में ही ऐसा काला सिंदूर प्राप्त होता है जो कि बहुत ही प्रभावशाली होता है आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो काला सिंदूर होता है बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है यदि कुछ बूंद पानी के साथ या गाय के घृत मतलब घी के साथ आप इसको घिसेंगे तो इसका काले कलर का एक पेस्ट या लेप तैयार हो जाएगा उस लेप से विशेष मुहूर् मुहूर्तों में बहुत सारे गण किए जाते हैं बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं इनके प्रयोग इतने शक्तिशाली होते हैं कि कभी भी किसी भी जगह पर आप फंस गए हैं किसी भी प्रकार की समस्या है धन की कमी है या लोग अनावश्यक आप लोगों को परेशान करते हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति का नाम लिख के बहुत ही तीव्र उच्चाटन किया जाता है दोस्तों इसका नाम लिखने से उस व्यक्ति का प्रबल उच्चाटन होता है और वो व्यक्ति आपसे दुश्मनी छोड़ देता है इसके बहुत सारे अन्य प्रयोग होते हैं जो कि मैं एक एक करके आप लोगों के समीप रखता हूँ और सबसे पहले आप देख लीजिए कि असली जो काला सिंदूर होता है वो कैसा होता है ये असली काला सिंदूर है जो कि बजन में बहुत भारी होता है और बहुत ही ज़्यादा चमकदार होता है यदि सूरज के प्रकाश में या आपको किसी भी लाइट की जगह पर आप देखेंगे तो इसका जो प्रकाश होता है वो डबल हो जाता है आप यदि इसको अंधेरे में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये होता है और बहुत ठोस होता है आप इसका यदि ये, ये देखिए आप इसको बजाएंगे तो ये स्टोन एक पत्थर की तरह बजना चाहिए यदि आप घिसेंगे तो इसमें से काला चूर्ण निकलना चाहिए देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा घिस के बताता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा विचित्र चीज़ होती है ऐसी चीज़ होती है कि जो आज के टाइम में विलुप्त हो गई है ये देखिए इस तरह से इसका एक चमकीला काला निकलता है यदि गाय के घृत के साथ आप इसको घिसते हैं तो ये बहुत ही तीव्र काला कलर जैसा काजल होता है उस प्रकार से इसको बना लिया जाता है इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं बहुत टोटके होते हैं काले जादू में बहुत ही ज़्यादा काम इसका लिया जाता है यदि तीन ग्राम की मात्रा में आप इसको शुद्ध चांदी के या सोने के ताबीज में भर के धारण करते हैं तो सफलता आपके कदमों में रहेगी यदि माँ लक्ष्मी जी आपसे रूठी हैं या किसी भी प्रकार से आपके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आ रही है तो ऐसे में इसके प्रयोग करके यंत्रों की सिद्धि करके यंत्र गणित करके इसको विधिवत घर में पूजा स्थान पर रखा जाता है जिससे कि विशेष लाभ आप लोग को को देखने मिलते हैं दोस्तों काले जो सिंदूर होता है इसका विधान इसका गण इसके प्रयोग लाभ ये सभी काली किताब में बताए गए हैं अगर काले किताब के अध्याय इकहत्तर से आप आ, पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें पूर्णतः आपको जानकारी दी गई है कि काले सिंदूर का क्या प्रयोग किया जाता है काला सिंदूर जैसे कोयला चट्टान से निकलता है उसी प्रकार से काला सिंदूर निकलता है तो कुछ कुछ काले सिंदूर में आप देख सकते हैं कि चट्टानी अपशेष होंगे क्योंकि ये नेचुरल होता है इसकी माइन होती है इसकी खदान होती है ये विशेष मुहूर्तों में ही और कुछ एक गढ़वंध आ करके नदी है उसके तट के समीप एक पहाड़ में से इसको प्राप्त किया जाता है और भारत में केवल ये मायोंग आसाम में ही मिलता है इसके मायोंग आसाम में और बंगाल के काले जादू में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वशीकरण में धन के लाभ में उच्चाटन में कार्य की सिद्धि के लिए और मनोकामना पूर्ण करने के लिए और मनोवांछित सफलता प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यह बहुत ही दुर्लभ वस्तु आज के समय में हो चुकी है यदि जिस भी व्यक्ति को ये चीज़ मिलती है तो साधना में सफलता में धन में या गैमलिंग में आपको हर प्रकार से इससे सहायता मिलती है और ये बहुत ही तीव्र सम्मोहन उच्चाटन और वशीकरण करने का कार्य करता है ये काला सिंदूर बहुत ही कम इस दुनिया में है बहुत ही कम मिल पाता है ये बहुत मुश्किल से बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने ये वीडियो बनी है मेरे एक मित्र के माध्यम से मुझे बताया था कि आप इसके विषय में वीडियो बनाई है जो कि बेंगलुरु में बहुत अच्छे पदस््य पर हैं उनके आग्रह पे मैं ये वीडियो मैंने बनाई है और इस काले सिंदूर को मैंने बहुत ही मुश्किल से वहाँ से मंगाया है आप देख सकते हैं कि इसकी जो चमक होती है चाहे आप इसको तोड़ें घिसें या कुछ भी करें ये हर प्रकार से जो स्टोन होता है बहुत फाइन क्वालिटी का जो स्टोन होता है इसमें इसकी बहुत अच्छी चमक होती है ये दिखने में पूर्णतः बहुत ही ज़्यादा काला होता है गाय के घृत के साथ यदि इसको घी आप घिस कर प्रयोग करें इसके तिलक करें तो आ, किसी भी बड़े से बड़े शत्रु का उच्चाटन होता है और जीवन में मनोवांछित आपको फल देखने मिलते हैं अगर दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आपकी दुश्मनी है या आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो ऐसे व्यक्ति का आप एक कागज़ पे नाम लिखकर प्रयोग कर सकते हैं जो कि काला सिंदूर उस व्यक्ति का उच्चाटन का कार्य करेगा काला जादू शत्रु शमन के लिए उच्चाटन विद्याओं के लिए और बहुत ही तीव्र धन की जो साधनाएं होती हैं या धन की प्राप्ति की जो साधनाएं होती हैं इसके लिए प्रयोग किया जाता है तंत्र में इसको विशेष माना जाता है और काले जादू में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है जैसे वूडोमारण प्रयोग में वशीकरण विद्या में धन की प्राप्ति में और उच्चाटन में इसका प्रयोग करके जीवन में लाभ लिए जाते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ कि मंत्रों की सिद्धि कैसे की जाए और कुछ ऐसे गोपनीय मंत्रों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके जीवन में वशीकरण का कार्य कर सकते हैं जिन लोगों के घर में धन की कमी होती है दरिद्रता होती है या बहुत ही ज़्यादा कंगाल होते हैं ऐसे व्यक्ति को काले जो सिंदूर होता है उससे अपना नाम शुद्ध कागज पर मोर की कलम से इसकी शाही बनाकर गाय के घृत में आप यदि अच्छे मुहूर्त में जो काल का मुहूर्त होते हैं चंडी मुहूर्त होते हैं या रात में बारह बजे के दिन बाद किसी भी दिन किसी भी शुक्रवार को या किसी भी रविवार की रात्रि को आप नाम लिख कर उसकी पूजा अर्चना करेंगे तो विशेष रूप से धन आपके घर में टिकेगा और बना रहेगा दोस्तों चल अचल संपत्ति को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है अगर आपकी संपत्ति दिन पर दिन घटती जा रही है या आपके घर में दरिद्रता है धन टिक नहीं रहा है धन की कमी है धन नहीं जुड़ रहा है इसी परिस्थिति में दस ग्राम काले सिंदूर की प्राण प्रतिष्ठान करके घर में स्थापित करने से चमत्कारी रूप से संपत्ति बढ़ती है और घर में धन टिकता है दरिद्रता खत्म होती है जीवन में मनोवांछित फल देखने मिलते हैं दोस्तों धन के साथ साथ ये तीव्र वशीकरण का भी काम करता है यदि इसको काले कपड़े के साथ लपेट कर या चांदी के ताबीज में भरकर इसको धारण किया जाता है तो उस जन में तीव्र वशीकरण करने की शक्ति उत्पन्न होती है जिससे कि लोग सम्मोहित होते हैं और जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपको तरक्की देखने मिलती है किसी भी क्षेत्र में ये बहुत ही ऐसी चमत्कारी वस्तुओं में से होता है कि जिससे मेनसिल या काली शिला इनसे भी तीव्र काम करने वाली ये वस्तु होती है जो कि तंत्र में विशेष मानी गई है जो कि आप काली पुस्तिका या किसी भी तरह की पुराने ग्रंथ में इसको ढूंढ सकते हैं इसके विषय में पढ़ सकते हैं यह पूर्णतः असली होती है और इसका प्रयोग भगवान विष्णु और भगवान इंद्र ने भी काफ़ी जगहों पे या साधना में इसका प्रयोग करके उनके जीवन में उन्होंने लाभ लिया था जिसका वर्णन पुराने ग्रंथों में बखूबी रूप से किया गया है दोस्तों ऐसे अवसर आप लोगों को बहुत कम मिलेंगे इसलिए आप इसको प्राप्त करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कि जीवन में बहुत आगे आप लोगों को बढ़ा सकता है इसका नाम है काला सिंदूर जो कि मायोंग से आप लोगों को सिद्धि करके मिलेगा दोस्तों हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही चीज़ें हम आपके जीवन में और आपके समक्ष लाएँ ताकि आप लोग पहचान सकें कि कौन सी चीज़ से आपके जीवन में क्या क्या लाभ आपको देखने मिलेंगे जय महाकाली